हनुमान जी की कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं जो शीघ्र फलदायी होती हैं और अगर इन्हें घर में लगा लिया जाए, खासकर की दुकान में, व्यवसाय स्थल पर अगर लगा लिया जाए, तो इससे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी ही तस्वीरों के बारे में जिससे अलग अलग लाभ की प्राप्ति होती है और जितने भी संकट अगर आपके जीवन में चल रहे हैं तो उसी अनुसार आप भगवान हनुमान की ऐसी तस्वीरों को लगा सकते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा दें, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों आपको बता दें, भगवान शिव का ही रौद्र अवतार यानी के रौद्र का अर्थ होता है कि अति प्रसन्नता में जब आंखों से आंसू निकलते हैं वही रौद्र कहलाता है, और भगवान हनुमान भगवान शिव के ही रौद्र अवतार हैं। यही वजह है कि वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, चाहे कितना भी बड़ा कार्य ही उनके सामने ही क्यों ना हो, वे सब कुछ प्रसन्नता के साथ पूर्ण कर देते हैं। बल्कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो भगवान हनुमान ना कर सकें। हनुमान जी की शक्ति इतनी अपरंपार बताई जाती है कि जिस भी साधक पर अगर हनुमान जी की कृपा हो जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा सिद्धियों की प्राप्ति करता है। जैसे कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत आदि की समस्याएं होती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी ही समस्या क्यों ना हो, लेकिन भगवान हनुमान की कृपा से सारी समस्याएं तुरंत ही समाप्त हो जाती हैं। ये भूत प्रेत की जो बाधाएं होती हैं, ये काफी ज्यादा व्यक्ति को परेशान करती हैं। कुछ लोगों को कुछ सुनाई देता है, कुछ लोगों को दिखाई भी देने लग जाता है, अलग अलग प्रकार के बिल्कुल सभी लोगों को अनुभव होते हैं। तो उसके लिए एक बड़ा ही खास प्रयोग ये है कि आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान की फोटो, तस्वीर, मूर्ति अवश्य ही अपने घर के मंदिर में स्थापित करके रखें, क्योंकि पंचमुखी हनुमान जो होते हैं वे पांचों दिशाओं से, जैसा कि आप जानते हैं कि पाताल लोक में युद्ध करने के लिए भगवान हनुमान ने पंचमुखी अवतार बनाया था जो पांचों दिशाओं से प्रहार करते हैं। तो इसी प्रकार पांचों दिशाओं के पंचमुखी हनुमान आप अपने घर में अवश्य ही मंगलवार शनिवार स्थापित अवश्य कर लें। और इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले आपको पंचामृत बनाना है और उसके बाद उसी पंचामृत से भगवान हनुमान की पंचमुखी मूर्ति को उससे धोना है। उसके पश्चात आपको सरसों का तेल का दीपक जलाकर उसमें लौंग, जितने भी घर में लोग रहते हैं उन्हीं की एक एक लौंग सबकी दिए में डालकर ये रोज फिर शाम को भगवान हनुमान के सामने जलाना है। केवल इतना करने मात्र से ही किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की बाधा होती है उसमें शांति प्राप्त होती है और ये जितनी भी समस्याएं होती हैं तुरंत ही समाप्त होने लग जाती हैं। अगर इसी प्रकार आपका कोई व्यवसाय है जो बिल्कुल भी नहीं चलता है या फिर नौकरी की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो हनुमान जी की जो ऐसी तस्वीर होती है जिसमें वह संजीवनी पर्वत उठाते हुए ले जाते हुए दिखाई देते हैं, तो ऐसी ही तस्वीर को, ऐसी ही फोटो को या मूर्ति को आप अपने घर में स्थापित कर लें और ऐसी ही तस्वीर पर ध्यान लगाना शुरू करें और इस मंत्र का उच्चारण करना शुरू करें, ओम हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। बस इस मंत्र का जाप आपको करना है। जैसी तस्वीर हमने आपको बताई है वैसी तस्वीर पर आपको ध्यान लगाना है। अगर आपका व्यवसाय नहीं चलता है, आपको अंदर से डर लगता है कि आप पैसे नहीं कमा सकते हैं या कमा नहीं पा रहे हैं और बहुत सारे खर्चे आपको घेर के रखे हैं, बहुत सारा कर्ज आपको घेर के रखा है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं, ऐसा व्यक्ति 24 घंटे ही सोचता रहता है और हमेशा ही परेशानी में रह जाता है, तो इन सभी चीजों के लिए आपको केवल संजीवनी पर्वत वाले हनुमान जी की ध्यान करना है और जो हमने मंत्र आपको बताया है उस मंत्र का जाप आपको करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि अपने घर की जो उत्तर दिशा है वहां पर तिल का तेल आपको रोज अवश्य ही जलाना है। केवल इतनी चीजों को अगर आप रोजाना करते हैं तो केवल इतनी चीज से ही मरते हुए व्यक्ति को भी प्राण की प्राप्ति हो जाती है। जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, उसी प्रकार जब भी आपको लगता है कि घोर संकट आपको घेर के रखा है और आप बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हैं, तो इसी प्रकार जो तस्वीर हमने आपको बताई है उसी पर ध्यान लगाते हुए यह मंत्र का उच्चारण आपको बस करना है और तुरंत ही कुछ ही सेकंडों में आप खुद महसूस कर पाएंगे कि भगवान हनुमान ने कृपा भेज दी है और सारी परेशानी अब समाप्त होने वाली है। यह जितनी भी चीज हम अपने वीडियो में बताते हैं ये बड़ी ही ज्यादा खास होती है, इसीलिए इनको बिल्कुल ध्यान से सुना करें। आपकी सभी समस्याओं के लिए आने वाले वीडियोस में और भी ज्यादा खास और विशेष प्रयोग उपाय बताए जाएंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिला करें। इस खास जानकारी को अन्य लोगों के साथ अवश्य शेयर किया करें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठाएं, आपके गुड कर्मास बढ़ सकें।
क्योंकि जब आप अच्छी चीजों को शेयर करते हैं तो इससे आपके गुणकर्माज बढ़ते हैं और दूसरे लोगों की मदद होती है। और जब किसी भी व्यक्ति के गुणकर्माज बढ़ने लग जाते हैं तो वह आगे बढ़ता ही चला जाता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।